सो हेलो गाइस, तो आज का ओपी वाला गेम प्ले वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से अपना सलाम ठोक रिला। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हमारे साथ खेल रहे हैं अज्जू भाई। ओह माय गॉड, एंड यहां पे देख सकते हो दो या तीन स्क्वाड आई थिंक आ रहे हैं और वो भाई हमें देखकर डर के भाग गए। हमने सोचा नहीं था कि हमें हमसे इतना डरते हैं। चल झूठा, तो देखते हैं नीचे पे क्या है। ओ M14 रेंज कोर के साथ इसको चलाने का मजा ही अलग है। पता है पहले मैं इस गन को चलाता ही नहीं था बिल्कुल भी, अब इसको चलाने का मजा ही दूसरा है। अगर रेंज कोर लग गया ना तो भाई कितना खतरनाक रेट ऑफ फायर है। इनिमी कहाँ है, दिख नहीं रहा है। कहाँ है यार वो रोहन को जो मार रहा था, वो कहाँ है? फोन नंबर को मार रहा था, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मार रहा है, गया अपना पार्टनर गया, वो डाउन हो गया। चलो वो भी डाउन हो गया तो अपने पार्टनर को बचाते हैं। तो देखा कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और भुवन भैया बिना कवर के लड़ने भिड़ गए, इसके कारण नॉक हो गए। हम नहीं होते तो मर जाते हैं, और चलो बच गए। एंड उसका पार्टनर आई थिंक आसपास में नहीं है मेरे ख्याल से, वरना ज़रूर फायर करते। तो चलो इसको लूट लेते हैं। क्या है, हमारा बॉन्टी भी है इसमें, तो आई थिंक वेस्ट मिलना चाहिए। एंड हो भाई 4 लेवल का वेस्ट। एंड ओ भाई साहब, हमारा तो फेवरेट गन मिल गया, 2 नली एंड 1 ग्लोवाल। यार इस गेम में तो फिर मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इस गेम में पहली बार ये रेंज कोर वाला M14 चलाने वाला हूँ, मतलब M14 रेंज कोर के साथ। 5 minutes later इस गेम में तो हमारा इतना खौफ था कि पीक पे बंदे ही नहीं आए, तो अब पीक पे नहीं आए तो इसके साइड में यहाँ पे पोची नॉक पे आई थिंक होने चाहिए। ओ रहा भाई, मुझे तो मारा लेकिन एक गोली नहीं पड़ा, और मैंने मारा तो वो भाई साहब ओपी है, इतना बेचारा बंदा नॉक। और ओपी स्पीड, बंदे का नाम देख रहे हो, ओपी स्पीड, बंदे का नाम है ओपी स्पीड, और हमने मार दिया उसको ओपी स्पीड से। एंड हमारे पार्टनर्स को फिर पड़ रही है, और यहाँ से इसका रेट ऑफ फायर देख रहे हो बहुत ही खतरनाक। बहुत ही कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहा है स्क्वाड ही ख़त्म। एंड इसके पास क्या है, तो हमको जो चाहिए था वो मिल गया, और फिर पड़ रहा है। एंड ओ भाई, अरे भाई साहब अज्जू भाई तो नॉक हो गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, हमको बचाना पड़ेगा। चलो ईगल डैडी, चलो बचाओ इसको यार, उसको हम मरने नहीं देंगे इस गेम में, फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अभी तो ओपी गेम देखना बाकी है, उनको बचाएंगे नहीं तो फिर ओपी गेम देखेंगे कैसे। और वो भाई साइड से पड़ रहा है, तो चलो घर पे देखते हैं, घर पे पहले कहाँ। ओ भाई ये बंदा तो यहीं पे आ गया, स्पीड से आया यार, और नॉक कर दिया फिर अच्छी बड़ी से। ओ भाई चलो नॉक हुआ। एंड हमारे दूसरा पार्टनर कवर नहीं था उसके पास, तो मारे गए फर्स्ट नंबर पे जो है वो तो मारे गए। एंड इसके पार्टनर्स आई थिंक आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ओ भाई कितने बंदे हैं, कितने घुमा रहे हैं भाई। ओ भाई गया, अब जो भाई का वेस्ट फाट डाला उन लोगों ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओ भाई सब दोनों के दोनों एक साथ नॉक। ओ माय गॉड, वो भी पिस्टल से। एंड इसको किल करने के बाद हम रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से कूद जाएंगे क्योंकि वो दोनों दो तीन बंदे हमारे पीछे पड़े हैं एक साथ। अगर वो ग्लू वॉल फोड़ रहे हैं तो 2 मिनट में फूट गया हो, मतलब 2 सेकंड में। एंड उनको अब थोड़ा घुमाया जाए, तो यहाँ पे मेडिकेट यूज कर लूँ क्योंकि वो लोग वहीं पे ढूंढ रहे हैं, बड़ा बेवकूफ इंसान है वो लोग। जिस चीज़ में हम माहिर हैं उस चीज़ में अब क्या ही बोले, घुमाने में, बंदों को घुमाने में। वो वहीं पे घूमते रह जाएंगे लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो हमारा HP हो गया है फुल, तो हम फिर जाएंगे उनके पास एंड फिर मारेंगे उनको, फिर घुमा घुमा के मारेंगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ा लिए तो फिर। ओ भाई ये बैकअप लोग बम फेंक रहे हैं, नॉक हो गया कहीं का। एंड तेरे को नहीं, उसका पार्टनर आ जाएगा, तो इधर से घूम के चलो। वो बंदा उसको फिर उठा दिया, इतना डर। चल तू पहली फुर्सत में निकल। एंड एक बंदा और है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ओ भाई
गया एंड एक बंदा और है। पहली फुर्सत में निकल स्टार बॉय, इस बंदे का नाम था स्टार बॉय एंड एक बंदा नहीं सॉरी बंदी है शायद या वो रही 69 और क्या उर्दू लैंग्वेज में क्या लिखा था पता नहीं। हम थोड़ा इमोट दिखा देते हैं ताकि उन लोगों को और गुस्सा आए, क्या पता लाइक भी दे दे। ये गन बहुत खतरनाक चल रहा है इस गेम में, वो भी देख रहे हो यहाँ पे रेंज कोर लगा है। इसका नाम रेंज कोर क्यों रखा है, इससे रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें तो रेट ऑफ फायर में फ़र्क पड़ता है ना, तो इसका थोड़ा और दूसरा नाम रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा एमओ है वो भाई शॉट गन का एमओ कम है, शॉट गन का एमओ कहाँ है यार। A few moments later. तो जितने बंदे को मैंने मारा उन सबको लूटा, तो देख रहे हो भाई साहब 13 ग्लूवाल मिल गया एंड हम 13 ग्लूवाल के साथ अज्जू भाई की मौत का बदला लेंगे। आपका दादा का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। यार हम अकेले हो गए हैं गेम में, क्या ही बोले, अकेले बड़ा बोर लगता है। तो चलो बंदे ढूंढते हैं और सबको जितना जल्दी हो सके कोशिश करते हैं मारने की एंड यहाँ पे फालतू सामान जो है उनको फेंक देते हैं। देख रहे हो 13 ग्लू वॉल और 7 बॉम्ब, तो आई थिंक फैक्ट्री पे होने चाहिए बंदे, अगर वहाँ पे नहीं होंगे तो फिर जाएंगे क्लॉक टावर। लेकिन बदला तो लेंगे अज्जू भाई की मौत का और अपने टीम मेट्स का। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हमारे टीम मेट्स का बदला हम सब बंदों को चुन चुन के कुत्ते की मौत मार के लेंगे। वहाँ रहा वो क्या कर रहा था, वहाँ पे बैठ के वो बंदा क्या कर रहा था और जीत गया, क्या करने की कोशिश कर रहा था हमको समझ नहीं आता। एंड सर्कल भी यहाँ ख़त्म हो गया है और बंदे शायद आई थिंक वहाँ पे होने चाहिए उसके पार्टनर्स, तो देखना पड़ेगा। थोड़ा संभल के थोड़ा पेशेंस रख के खेलते हैं क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहता है गेम में। अच्छा बोले ऐसा होता है, और ज़्यादातर सिचुएशन जैसे सोलो वर्सेज स्क्वाड में हमेशा पेशेंस रख के ही खेलना पड़ता है। अगर चार बंदों के बीच में आप अगर सीधा सीधा रस मारेंगे तो फिर मरेंगे ही उससे। ये रहा यार, मैंने हेड खींचने की कोशिश किया बट नहीं लगा, लग जाता तो और जल्दी मज़ा आता, एक बंदा डाउन रहता और एक बंदे को आसानी से मार लेते। अब दोनों बंदे जिंदा है तो उसको थोड़ा चश्मा देती हो भाई, रोनो लगा के बंदों को थोड़ा लालच देता हूँ मैं तभी। एंड एक बंदा वो भाग रहा है, उसको पहले हील हो जाते हैं भाई, उसको पहले मारेंगे। वो कहाँ भाग के हमसे कहाँ भागेगा वो, बोलो भला। हम इस गेम में बदला तो लेंगे हर बंदे से, और ये रहा ये बंदा कोशिश जरूर किया हमको मारने की लेकिन बेचारा नाकाम रह गया, क्या ही बोले। हमको तो मारने की कोशिश 45 बंदे करते हैं इस गेम में, और ये हो गया नॉक एंड ये यहाँ पे नॉक है और सामने, तो इसका एक पार्टनर किधर है। एक बंदे को मैं फैक्ट्री पे मारा और दो बंदे यहाँ पे नॉक, और चलो इसका किल भी आ गया। तो भाई साहब इनका स्क्रीन का डैमेज देख रहे हो, इतना डैमेज कर रहा है, तो चलो इनहेलर है तो इसलिए। और यहाँ पे इस बंदे को लूटने के लिए ग्लू वॉल लगाते हैं क्योंकि अगर ऊपर से गोली मारेगा तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एचपी हमारा कम है और स्ट्रिंग बहुत एचपी ले रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है देख रहे हो। अगर इनहेलर नहीं होता तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाता। A few inches later. ओ भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीक पे सर्कल बना है, एंड एक बुरी बात है कि यहाँ पे 4 से 5 स्क्वाड बचा है और सर्कल देख रहे हो, ओ भाई साहब इतना छोटा हो चुका है और 4 से 5 स्क्वाड है। और हो रहा बंदा मल्टी विंडो पे है, फायरिंग किया और लोकेशन आया, तो हमें थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे पीक पे हम आराम से सर्वाइव कर जाते हैं बट थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज यार यहाँ पे स्क्वाड ऊपर स्क्वाड है, तो अगर उनके चक्कर में मतलब 4 बंदे अगर मेरे पीछे पड़ेंगे तो फिर कुत्ते की मौत मारेंगे, ये बहुत बुरा होगा। तो वैसे तो पीक पे मुझे जो बोला उस तरह से नहीं मार पाएंगे, बल्कि उनको हम कुत्ते की मौत मारेंगे। अब इस गेम में रिवेंज मतलब बदला तो लेंगे यार अज्जू भाई का, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि अगर 4 बंदों के बीच में सच में मैं पहुंच गया ना तो दिक्कत में हो जाएगा। 5 minutes later. भाई ये बंदे मर क्यों नहीं रहे। 1 hour later. अभी जल्दी जल्दी मरो यार। 2000 years later. भाई साहब देख रहे हो इतना छोटा सर्कल हो भाई, 14 बंदे बचे हैं यार, हद होता है भाई। चलो एक बंदा मरा और 13 बंदे, यार ये हो क्या रहा है भाई, इतना छोटा सर्कल और 13 बंदे देख रहे हो। और ओ भाई साहब फायर पे फायर, इतना घमासान लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। नहीं, हमें यहीं पे रुकना है, सर्कल भी यहीं है तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं।
और ये बंदा आ गया, चलो इसको मारते हैं। ओ ये कहाँ भाग रहा है? ओ भाई यार मर जा। ओ भाई नो यार सेट, हमने डाउन किया उस बंदे को, मतलब डैमेज इतना खतरनाक डैमेज किया और उस सामने वाले ने किल चोरी कर लिया। इसका बदला हम लेंगे उसी का किल करके। रुको बेटा रुको। और ओ ये बच गया, इतना डैमेज के बाद भी बच गया। ओ सेट यार फिर बच गया। बॉम्ब फेंकेंगे, रुक बॉम्ब से कैसे बचोगे? फिर भाग रहा है। अरे ओ भाई साहब यहाँ पे फिर नॉक हो गए बंदे बॉम्ब से यहाँ पे पीछे। चलो हमने ग्लूआ काम करते हैं, ये भी हो गया। और ओ भाई 14 किल हो गया, दो बंदे बचे, सॉरी चार, तीन बंदे बचे हैं। एंड ऊपर पे है आई थिंक, तो तुम गए बॉम्ब से और ओ डैमेज गया 88 का। एंड दूसरा बॉम्ब से ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। ओ भाई ख़त्म हो गया आकाश, मिस्टर आकाश तुम मर गए बॉम्ब से। एंड एक बंदा बस बचा है इधर, अच्छा ये रहा। आजा भाई साहब, तो हम इसको क्रोमोनो लगा के फिर बच गया। ये गया और ओ भाई बेचारा डर गया एंड डर के मर गया। यही होता है, पेशेंस रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो बाय बाय गाइज।